हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने न्यू लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। टीजीटी पदों के अंदर जितने भी हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम से जो भी वेट कर रहे हैं, उन सबको ये जानकारी हम देना चाहेंगे। अगर मेरा भाई और मेरी बहने हरियाणा कौशल रोजगार निगम हो गया, HSS विभाग हो गया, अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को सुन पा रहे हैं तो मैं उसको बताना चाहूंगा, मेरी बहनों के लिए टीजीटी पीजीटी एनटीटी पीआरटी जेबीटी हरियाणा कोर्ट के अंदर असिस्टेंट की जॉब हो गई, आंगनवाड़ी के अंदर जॉब हो गई, आप सभी के लिए अगर कोई भी अपडेट आती है, कोई भी पूरे हरियाणा के अंदर सिंगल एक वैकेंसी भी आती है किसी भी गांव के अंदर, कंटिन्यू आपका छोटा भाई आपके लिए जो भी अपडेट्स आते हैं कंटिन्यू लेकर आता हूं। सबसे पहले आप सभी को जो भी जानकारी होती है उसके बारे में बताता हूं। अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को पहली बार सुन पा रही है, अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मेरी बहन सबसे पहले जाके आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे कंटिन्यू आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे। कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट होता है किसी भी विषय का तो बिल्कुल आराम से आप कॉमेंट्स करके टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे, आप सभी की हेल्प करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं। कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल आती है तो आप जाइए टेलीग्राम पर मैसेज करके अपने छोटे भाई से कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उस चीज का रिप्लाई मिलेगा, जो भी जानकारी आपको चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। तो जो लेटर जारी हुआ उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये लेटर आप सभी के सामने रहने वाला है कि नव नियुक्त जो विभिन्न विषयों के टीजीटी अध्यापकों को आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत कार्य ग्रहण करने की अनुमति प्रावधान जो करने के बारे में लिखा गया था। टीजीटी के आप सभी के जो भी उम्मीदवार लगे हुए थे जिनका आदर्श आचार संहिता के अंदर अपना जो वर्क है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए और अपना जाके ड्यूटी है वो ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको इस विषय में लेटर लिखा गया है। विषयांगित मामले में आपको लिखा जाता है कि जिन विवेक विषयों के अंदर नवनियुक्त टीजीटी अध्यापकों को निर्देशालय द्वारा जो नियुक्त पत्र जारी किए जा चुके हैं परंतु आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वह अन्य किसी कारणवश कार्य ग्रहण नहीं कर पाए, ऐसे सभी नव चिन्हित अध्यापकों को तुरंत प्रभाव से नियम अनुसार कार्य ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आपको निर्देश दिए जाते हैं कि विभिन्न विषयों के सभी नवनियुक्त अध्यापकों की कार्य ग्रहण रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर निर्देशालय को भेजना सुनिश्चित करें, जिसके अंदर जो भी टीजीटी अध्यापकों ने फिलहाल कार्य ग्रहण नहीं किया है उन सभी को कार्य ग्रहण करने के लिए बोल दिया गया है। कार्य ग्रहण करने के बाद एक सप्ताह के अंदर अपने हेड ऑफिस के अंदर इन सभी का कार्य ग्रहण है वो रिपोर्ट आपको भेजना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आपको भेजेगा, आप जिस स्कूल के अंदर लगेंगे उस स्कूल के जो मुख्य अध्यापक होंगे हेडमास्टर होंगे वो आगे रिपोर्ट भेजेंगे। सभी नवनियुक्त अध्यापकों को निर्देश दिए जाते हैं कि निर्देशालय द्वारा अलर्ट किए गए जिला एवं संबंधित विद्यालयों के कार्य ग्रहण हेतु रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी। तो ये आपको बोला जा रहा है कि इसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, इसकी एक प्रति विभाग के ITI रोल नंबर के विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित की जा चुकी है। जो भी TGT अध्यापक फिलहाल नवनियुक्त जो भी कर्मचारी कार्य ग्रहण नहीं कर पाए हैं तो उन सभी के लिए लेटर लिखा गया है, सभी को अभी अपने अपने डिपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। पहले ग्रुप डी के अंदर भी काफी ऐसे मेरे भाई थे जिनको डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, बीच में चुनाव वाला मुद्दा आ गया, आदर्श आचार संहिता लग गई, कम से कम 2 महीने का वेट और भी करना पड़ गया आप सभी को। तो आप सभी को अब डिपार्टमेंट जो भी है वो मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर ग्रुप डी वाले भी कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को सुन पा रहे हैं जो ग्रुप डी के अंदर आज के दिन लगा हुआ है जिसको डिपार्टमेंट नहीं मिला है उनको अब डिपार्टमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे और TGT वालों को जल्दी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आप सभी को जाके कार्य ग्रहण करना है, हर स्कूल को अंदर ये लेटर भेज दिया गया है और जल्दी आपको इस बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी TGT PGT की न्यू भर्ती आती है ऑफर लेटर आते हैं कंटिन्यू आपको इसी प्रकार से हर एक जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरी बहनों
अगर आंगनवाड़ी विभाग के अंदर आपको लगना है तो अब हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी विभाग की भर्ती आनी शुरू होंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा आंगनवाड़ी के अंदर जो भी भर्ती आती रहती है आपको कंटिन्यू हर गांव की भर्ती के बारे में यहां से जानकारी मिलेगी। हर गांव के अंदर अगर एक सिंगल वैकेंसी भी आती है आंगनवाड़ी की तो कंटिन्यू आपको बताएंगे, अपना फॉर्म भर लेना, जिसके अंदर जो भी जानकारी आएगी कंटिन्यू आपको बताई जाएगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा प्यारा कॉमेंट जरूर कर देना और जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। आने वाले जो भी है सबको कंटिन्यू इसी प्रकार से हर एक जानकारी दी जाती है। जो भी जानकारी आपको चाहिए कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती है तो कमेंट्स करके पूछिए, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछिए, हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगी, हमेशा सबसे पहले जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरे भाई और मेरी बहनों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।